गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कनाडा सॉरी ब्रिटिश कोलंबिया। और आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है तो सारे कह रहे थे कि व्लॉग स्टार्ट करो, तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं कुछ, अब से यूट्यूब पे भी डालेंगे हम, पहले इंस्टाग्राम पे डालते थे। पीछे मेरा घर है, आप देख सकते हैं किराए का। और अभी मैं आज यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरा पहला दिन है यूनिवर्सिटी का। बस स्टैंड का वेट करते हैं, ये टी देख रहे हैं ना, इसको ट्रांजिट बोलते हैं, मतलब बस और स्काई ट्रेन पे आपको टी लिखाएगा। स्काई ट्रेन मेट्रो हो गई अपनी। अभी पहली वीडियो है तो ज़्यादा जज मत करना, तो मुझे भी आते नहीं बनाने, मंगा लिए ट्राईपॉड, अब बनाएंगे, देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ये इनका मेट्रो स्टेशन है, स्काई ट्रेन आप देख सकते हैं। ऊपर चलते हैं अभी हम भी। रोला बड़ा सुने आए बाहर जान दा, उथे भी तो पेंदे पोता हड भन्नने, कौन उथे एक दूजे नू आ पुछदा, चंगे माड़े दिन सारे पेंदे चलने। वेख लै तू जिवें तेरा मन मानदा, वेख लै तू जिवें तेरा मन मानदा, ज्यों जिंदगी ली कम मली पैना करना, लब के कोई नौकरी तू साब बन जा, पिंड बड़ा औखा मिट्टी नाल मरना, ठंड विच सारा दिन तुंदे मरिए, गर्मी च पैंदा धुप नाल सड़ना। तो ये मेरे को मिल गए थे साथ में बस में, और हम एक ही कॉलेज में, सॉरी एक ही यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अभी बस ट्रेन से उतरे और अब दोबारा बस पकड़ेंगे। बस यहाँ पे यही करता रहे बंदा, है ना, जब तक गाड़ी नहीं है तब तक तो यही करना पड़ता है, ट्रेन से बस से। तो ये वाली बस है गाइस, इसमें जाएंगे अब हम, अगर ये रुकी तो। इतनी माड़ी किस्मत भी नहीं होनी चाहिए कि मैं सुबह से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये मंगाया और कोई बंदा आया ये तोड़ गया मेरा। यहाँ के लोगों में बिल्कुल अक्कल नहीं है, अब दोबारा हाथ से बनानी पड़ेगी मेरे को वीडियो। और इसका आगे का पार्ट तोड़ गया मेरा चूतिया। खैर कोई नहीं, वो सामने यूनिवर्सिटी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी यूनिवर्सिटी कैसी होती है, मतलब कैसी। तो ये है वो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, जिसमें हम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कोर्स, वो बाद में बताऊंगा फिर कभी। तो ये अपना यूनिवर्सिटी का ये एरिया है। हाँ मेरी भाई वाली आई थिंक ये वेस्ट है, हाँ ये वेस्ट है और वो ईस्ट है। हाँ 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 वेस्ट है यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, ये मतलब वेस्ट साइड है और वो ईस्ट साइड है। गलत साइड चला गया था, सामने वाली साइड जाने, अभी पहला दिन है ना यार, पता नहीं चलता। ये कॉलेज के बीच में ही सड़क आ गई बिल्कुल, और ये है। तो गाइस ये है लिफ्ट एरिया, यहाँ से बच्चे आते हैं, शीशा वगैरह लगा रखे हैं लोगों ने बढ़िया। यहाँ पे लिखा होता है कि कौन सी क्लास कहाँ है, ये रहा लिफ्ट। ये दूसरी क्लासेस है यहाँ पे, और पूरा कॉलेज ऐसे ही बना हुआ है। लुक रेट कर दो, लग तो हम ऐसे ही रहे, सिंपल के सिंपल ही, स्टाइलिश नहीं है हम लोग यार बिल्कुल भी। कोई नहीं, बाकी अब आपको कॉलेज दिखाता हूँ अंदर से, वॉशरूम दिखा दिया। तो यार ये कुछ इस तरीके से है हमारा कॉलेज, और यहाँ पे आपको अलग से बैठने का रूम भी मिल जाएगा, मीटिंग पॉड वन बोलते हैं इसको कुछ। इस लड़की को हर वीडियो में आना है ये भाई कॉलेज के अंदर का एरिया। भावना भी आ गई। ये सारे बच्चे अपने कॉलेज के, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हैरी पॉटर वाला एकदम नीचे जाएंगे, अब थर्ड फ्लोर पे लंच कर लेंगे। ये है अपना लंच रूम, कहाँ पड़ेगा भाई, ऐसे होते क्लासरूम देख लो आप। ये बच्चों की छुट्टी हो गई है एक आधी क्लास की आई थिंक, और ये हमारा है लंच रूम। सारे अलग अलग जगह के बच्चे और अपना ग्रुप ये रहा। देखो गाइस आज कॉलेज का पहला दिन ही है, पर केक रखा हुआ था किसी ने, तो हम केक के बहाने किसी का बर्थडे बनाने हम आ गए हैं केक के लिए, फ्री केक के लिए। तो ये कुछ नए दोस्त हैं हमारे, आपका नाम सान्या, ये हर व्लॉग में दिखेगी आपको, चक्रवर्ती, और ये इनका बर्थडे था, बट हम केक पे फोकस करते हैं। सो या केक था, हाँ ओके चलो। ये रहा क्लासरूम। पढ़ाई बड़ी औखी है भाई, देखो बच्चे बैठे पड़े हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। एक तो मैं जहाँ जाता हूँ लॉक हो जाता हूँ, अब सर
कैन यू प्लीज ओपन दिस, फिर सबको परेशान करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कोई भी दरवाज़ा सारा अंदर से कभी बाहर से बंद होता है, कभी कुछ हो जाता है। आईडी कार्ड लगाऊँ अपने यहाँ का, भी बनवाया नहीं है। सही लग रहा हूँ ना? चलो क्लास का टाइम हो गया, दोबारा से जाते हैं, ब्रेक में आया था मुँह हाथ धोने। तो गाइस क्लास ख़त्म हो गई है, ये अलग अलग तरीक़ों के बच्चे आप देख सकते हैं, है ना। मैडम हो रही बोर्ड बिता दो, चलो भाई चलो, ये भी मेरे नए दोस्त। तो अब हो गई हमारी छुट्टी, हम जाएंगे समुंदर की तरफ। छुट्टी नहीं हुई है, एक क्लास में अभी 4 घंटे का गैप है। ये कुछ रईस के बच्चे आते होंगे इन गाड़ियों पे। सामने ही समुंदर है गाइस, तो वहीं जाके आपको दिखाएंगे। ऊपर से ट्रेन जा रही है, सामने समुंदर है, उसके सामने बर्फ़ के पहाड़ है। समझ नहीं आ रहा क्या क्या चल रहा है यहाँ पे आसपास, बट जगह बहुत सुंदर है और वेदर बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे और आप देखेंगे आप समुंदर किनारे आ गए। ये रही बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स, इंग्लिश देख रहे हो आप भाई की, और बहने देखा नहीं नीचे। देखा व्लॉगिंग के चक्कर में एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं अपने आप को भी लेता रहता हूँ वीडियो में थोड़ा बहुत, ताकि मैं लगे लोगों को मैं भाई सही में हूँ कनाडा। आधे लोगों को पता है चल रहा है, आधे लोगों को लग रहा है मैं झूठ बोलता रहता हूँ, पर ये देखो भाई ये वही वाली जगह है। क्यों चीख रही है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। आओ चलते हैं गाइस सामने, अभी बहुत अच्छा पार्क आएगा आप लोगों के सामने, और बिल्कुल जस्ट उसके सामने समुंदर, गहरा समुंदर, ऐसे लग रहा है स्पाइडरमैन वाली सड़क है। तो आगे है वो पार्क और आप लोगों के सामने है बिल्कुल समुंदर। ये देखिए ये लोग भागते हैं, और ये सामने पार्क है, बहुत ही बेहतरीन पार्क। सामने लोग अपने कुत्ते वगैरह घुमा रहे होते हैं, सॉरी डॉग्स एंड बिचेस घुमा रहे होते हैं। ये बिल्कुल मेरे कॉलेज से 1 मिनट की वॉक पे समुंदर है। आगे चल के और आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये आंटी पेंट कर रही है, एक साइकिल चला रही है, मतलब यहाँ के लोग कुछ भी करते रहते हैं बढ़िया अपना टाइम पास करने के लिए। अभी आंटी की पेंटिंग दिखाता हूँ आपको, वो भाई बहुत सेक्सी बनाया। ये रहा पार्क, आपको दिखा दो। अब आप लोग कुछ अंग्रेज लोग देख पाएंगे मेरे आगे पीछे, क्योंकि सरी में मोस्टली क्या है कि इंडियंस ही रहते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा ब्लॉगिंग करता ही नहीं हूँ, ब्लॉगिंग क्या वीडियो डालता ही नहीं हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे मेरे पीछे, है ना। और अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ एक दूसरा व्यू, देख रहा हूँ ये अच्छा है, ये तो अच्छा है भाई। ये देखिए इतने सारे डॉग्स, और वो मेरे को सुबह वाला लड़का भी दिख गया जो मेरे व्लॉग में मेरे साथ था, मैंने उसे ढप्पी कर दिया। लोग इतने सारे लोग अपने डॉग्स को लेके आए हुए हैं, ये देखो बढ़िया मस्त धूप। धूप इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बारिश होती है, 150-200 दिन तो बारिश होती रहती है, और सही में सच बोल रहा हूँ मैं, बाकी आधा दिन बर्फ़ पड़ी रहती है। तो जब धूप निकलती है तो आपको बहुत सारे लोग सड़क पे दिखते हैं, सड़क पे पार्क में। तो अब होगी प्रॉपर ब्लॉगिंग शुरू, क्योंकि मैंने ले लिया ट्राईपॉड। और सुबह भाई ऐसी बुरी मतलब चीज़ हुई मेरे साथ, एक अंग्रेज़ आया मेरे ट्राईपॉड पे सीधा धक्का मारा और फ़ोन गिर गया और वो टूट गया ऑलमोस्ट। अब देखते हैं उसको चेंज कराऊंगा या रिफ़ंड, मतलब कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा, इतना महंगा सा लिया था यहाँ पे आके कि बकचोदी करेंगे लोग, करने नहीं दे रहे बिल्कुल। पीछे का एरिया सारा देख ही चुके हो कितनी बार, समुंदर देखो, मुझे बार बार जाना पड़ता आप लोगों के लिए, ऐसे चलेंगे वहाँ। पर इससे अच्छा है ना कि मैं अगर जैसे हाथ से पकड़ूँ तो मैं आपको ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर पाता। अब देखो आप भाई खड़ा हो गया समुंदर के एकदम बिल्कुल किनारे पे, ये भी अच्छा आ रहा है ना, पानी एकदम साफ कंचा, मजा आ गया यार। और मेन वेदर बहुत ज़्यादा प्यारा है, धूप में मैं भी कई बार गोरा लगने लग जाता हूँ, पता नहीं मैं वीडियो में लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, बट बढ़िया व्यू है एकदम। आप लोगों के लिए बिल्कुल एक प्रोफेशनल व्यू में मैंने एक शॉट लिया, सारी बिल्डिंग्स सब कवर करते हुए, ये कुछ लोग पार्क में एंजॉय करते हुए, और ये मैडम हमारी डॉग को घुमाते हुए। एंड यू कैन सी दिस ब्रिज, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज। और ऐसे मुझे कवर करना पड़ा क्या क्योंकि सामने से मैम को ये ना लगे कि मैं उसको ले रहा हूँ।
है ना। तो बस यही है यहाँ का सीन। वो देखो बढ़िया यार, यहाँ के लोग खूब एंजॉय करते हैं। मौसम हो गया बहुत ही ठंडा। अब जाएंगे वापस यूनिवर्सिटी के अंदर, 7 बजे एक लास्ट क्लास है वो लेके, फिर हम घर। बाय। फिर से हम आ गए अपनी यूनिवर्सिटी में, अब दोबारा से स्कैनिंग होगी और जाएंगे। तो ये है गाइस हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, अंदर चलते हैं और आपको दिखाऊंगा कैसी है, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। और भी चल के देख लेते हैं क्या है। ये तो यहाँ से यहाँ का व्यू है। ये सारे MBA के स्टूडेंट बैठे हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है। क्विज ये सारे एक दूसरे से चेप रहे होते हैं और बाकी चीजें पैराफ्रेज कर देते हैं और MBA कर रहे हैं 20-20 लाख लगा के, जो सीधी है बात। अभी सामने लगी पड़ी कॉफी मशीन, तो वहाँ से कह रहे हैं कि कप कोई नहीं लेगा, पर $30,000 भरे हैं, क्यों नहीं लेंगे कप, तो मैं लेंगा कॉफ़ी, मैं घर से लाऊंगा, एक चीज़ के लिए पैसे बचाऊँ कम से कम। ड्रामे लगा रखे बहन चुप, मेरा दिन हराम हो गए यहाँ पे आके। लिफ्ट में अकेला जाता है इसलिए बना लिया जल्दी से ब्लॉग। और मैं जा रहा हूँ यार 7-Eleven से कोई सामान लेने, मुझे लग रही थी भूख, तो देखते हैं कुछ मिल जाए। अच्छा 7-Eleven जैसे अपने वहाँ पे होता है 24/7 था, मैं तो भूल भी गया, तो ऐसे यहाँ पे होता है 7-Eleven। बस अब हम जाएंगे और सामने मेरी यूनिवर्सिटी है पूरी, बस बढ़िया एकदम। तो गाइस मतलब रात ही हो गई एक तरीके से, 6:30 बज रही है अपनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट। एक एरिया इसका ये है और दूसरा ये है, ये लाइब्रेरी में बच्चे बैठ रखे हैं वो रही सामने। In return for the future cash inflow of 101, okay? चम्मच खोई में, चम्मच खो गई, चुपके हाथों से खा रहा हूँ। छुट्टी हो गई है गाइस, अब हम घर को जाएंगे, रात के 9 बज रहे हैं। देख रहे हो गाइस सुबह का निकला पड़ो 9 बजे का, आई थिंक 9 या 10 बजे का, और अब घर पहुँचो ना, यहाँ पे बज रहे हैं 10:30। अभी भी बस का वेट करना, उसके बाद घर पहुँचेंगे। ये देखो अब सारे बच्चे यहाँ पे बस का वेट करेंगे, रात के 10:45 से 11 बजे बस आएगी, आधा घंटा वेट करना होगा, उसके बाद घर पहुँचेंगे, फिर खाना बनाएंगे। फिर आप लोग कहते हो कनाडा में तो मज़े ही मज़े हैं। ये वाली बस नहीं है गाइस, एक और बस आएगी, ये भी बड़ा रोड है। आ गए हैं हम घर, बस बहुत हो गई आज की ट्रैवलिंग, अब बाय बाय।